In the midst of scorching temperatures and a distressing water scarcity plaguing Bangalore, Masjid Taha emerged as a beacon of hope, hosting special prayers for rain to alleviate the city's woes. Led by the Imam, congregants fervently beseeched the Almighty for forgiveness and divine intervention, seeking relief from the relentless heat and parched conditions, expressing concern over the unprecedented heatwave and acute water shortage. President Samiula Khan emphasized the urgent need for divine intervention, underscoring the severity of the situation. अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, पताकार हैं, मुजरिम हैं, गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं। अल्लाह रहमत बरसा, बारिश बरसा, रहमत की बारिश बरसा, आफियत की बारिश बरसा। अल्लाह हम तमाम मुसलमान अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा व इस्तगफार करते हैं। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, वहाँ के माँ बहनों की हिफाजत फरमा, वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा। मेरे बचपन से यही पहली बार देख रहा हूँ, ये इतना हाई 36-34 कुछ बारिश आया था बेंगलुरु में, लेकिन यह बार जो है बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत बेंगलुरु में मोर देन 5 से 6 आदमियाँ इंतकाल वगैरह को सुनिया, और जानवरों को पीने पानी नहीं, पानी की बहुत सख्त जरूरत है, बारिश नहीं आ रहा है। बेंगलुरु में जो कितने तालाबा थे लक्ष्मण, और वो तालाबा बिल्कुल पूरे छप गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज बुजुर्ग हमारे मौलाना हुमायूं साहब दुआ करें, बहुत इससे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों भी बाहर खड़के दुआ में शिरकत हुए। बारिश इंशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, दुआ इधर होने का वक्त जो बिजली थोड़ा बुन पड़ा, मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है इंशाल्लाह बारिश आएगा। कमिटीज प्रेसिडेंट समीला खान मेंबर्स अलोंग विद एस्टीम्ड मेंबर ऑफ द कर्नाटका हज कमिटी जुल्फिकार टीपू extended heartfelt congratulations to pilgrims embarking on the sacred journey to Mecca and Medina. ताहा मस्जिद के जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मस्जिद के ताल्लुक से नहीं बल्कि इस अतराफ के ताल्लुक से, जैसे गैर कौमों के साथ उनका किस तरीके से रिलेशनशिप है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और मस्जिद के अंदर भी बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे देखिए लाइब्रेरी है, ये कंप्यूटर रूम है, यहाँ बैतुल माल है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कब्रिस्तान का भी 20 कुंटे का इजाफा किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह सुबहान तआला इनको दिन दुगनी रात चौगनी कामयाबी अता फरमाए। तो जो हज हज को जा रहे हैं उनको एक दुआ और एक इज्जत अफजाई रखते हैं। ये इसमें हमारे हज कमेटी के मेम्बर जुल्फिकार अहमद खान अलियास टिप्पू और हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर अकबर साहब, और हमारे पूरे मजीद ताहा के जिम्मेदार, और उनके प्रेजेंसी में बैतुल माल के प्रेजेंसी में और नौजवानों के प्रेजेंसी में दुआ भी मोहल्ले वाले बहुत साथ दिए, और एक छोटी गेट टुगेदर खाने का भी इंतज़ाम हजों को किए थे।